अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज भाई माशाल्लाह से जुम्मे का दिन है, आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा लेट वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा काम में बिजी था, थोड़े बहुत काम थे, सोफ़े वगैरह उठाने थे, बैठक में रखने थे और लेट भी उठा था, इस वजह से अभी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वो भी मैं आप सबको दिखाता हूँ। और मैंने अभी कपड़े भी प्रेस करने, लाइट गई हुई थी, मैं लाइट का ही वेट कर रहा था, लाइट आएगी तो वीडियो स्टार्ट करूँगा और फिर कपड़े भी प्रेस करने, फिर नमाज़ पढ़ने के लिए भी जाना है। लेट पे लेट होता जा रहा था, अभी खैर लाइट आ गई है और कपड़े भी प्रेस करने हैं मुझे। तो मैं सबसे पहले कपड़े निकालता हूँ और फिर उसके बाद आप सबको दिखाता हूँ। ये देखें भाई, बैठक में जो कल कपड़ा बिछा हुआ था, न्याज के लिए बिछवाया था, वो कपड़ा हमने कल ही उठा दिया था। और ये तीनों सोफ़े हमने आज रखे हैं पापा ने और मैंने, क्योंकि वो बैठक में अच्छे लगते हैं सोफ़े। और मैंने यहाँ पर अभी सलवार प्रेस कर ली है, कमीज़ बाकी है, कमीज़ जल्दी जल्दी प्रेस करता हूँ और फिर नहाने के लिए जाता हूँ। तो अभी भाई मैं नहा धोकर बिल्कुल तैयार हो गया हूँ और मैं नमाज़ पढ़ने जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, बस निकल ही रहा हूँ। पापा तो मुझसे पहले ही जा चुके हैं क्योंकि पापा ने नहाना धोना नहीं था और पहले से ही तैयार थे, कपड़े भी नहीं चेंज किए क्योंकि कल चेंज किए थे। मैंने कपड़े भी चेंज करने थे, प्रेस भी करने थे, इसलिए मैं लेट हो गया। खैर अभी जल्दी जल्दी निकलता हूँ, उसके बाद वापसी आके खाना वगैरह भी खाना है। और मैंने और नेहा ने आज कहीं पर जाना भी है, वो तो मैं आके ही बताऊंगा कि कहाँ पर जाना है। अभी भाई मैं नमाज़ पढ़कर घर पर आ चुका हूँ और घर पर आने के बाद सबसे पहले खाना है खाना और फिर उसके बाद जाएंगे कहाँ पर जाना है हमें, वो मैं बता देता हूँ कि हमने जाना है आप ही के घर। आज आप ही का घर यहाँ पर करीब ही है, असल में 2-3 दिन से आप सबको पता है घर की सफाइयों में लगे हुए थे, सेटिंग में लगे हुए थे, इस वजह से मैं गया नहीं, वरना फिर आप ही सोचेगी कि यहाँ पर आ गया भाई और मेरे घर नहीं आया। तो खैर आज मैं जाऊंगा, अभी खाना वगैरह खा के बस आधे घंटे के अंदर निकल रहा हूँ। और मैंने बच्चों के लिए उसके लिए चीज़ भी ले ली, मैंने सोचा कि जाएंगे तो फिर थोड़ी बहुत चीज़ ले जाता हूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे। ये देखें भाई, नया यहाँ पर चावल गरम कर रही है खाने के लिए, कल के चावल बचे हुए हैं काफ़ी सारे, बचे हुए थे तो आज यही खाएंगे हम। और इसके साथ में लेकर आया था दही, दही डाल के खा लेंगे, मसाले वाले चावल तो कल सारे बाहर चले गए थे। हाँ इसमें अब जो है ना, मतलब कि मसाला बिल्कुल भी नहीं है, बस सादे चावल हैं ऐसे समझो। अब यही खाएंगे, क्या करें, कल सारे मसाले वाले मिक्स करके दिए ही नहीं, अगर मिक्स सही तरीके से हो जाते तो हमारे ये पास भी भी अभी सही सही रहते। रहते। हाँ अभी भाई हम लोगों ने खाना वगैरह भी खा लिया है और खाना खाने के बाद मैंने बाइक वगैरह भी निकाल ली है, बिल्कुल रेडी हूँ जाने के लिए। नया बस स्कार्फ वगैरह बांध रही है, ये जैसे ही बांध लेती है तो फिर हम निकलते हैं, बस 1-2 घंटे के लिए जाएंगे हम लोग, ज़्यादा देर तो जाते ही नहीं है। खैर ये स्कार्फ बांधे जल्दी से तो फिर हम जाते हैं। ये देखें यहाँ पर, ये नेहा स्कार्फ बांध रही है और फ़ोन में अपनी शक्ल देख के स्कार्फ असल में ना बांध अभी रही है। शीशा नहीं है ना, शीशा लाना हाँ, है। शीशा लगाए नहीं है, शीशा हमारे पास छोटा सा ही है, वो फ्रिज पे रखा हुआ होता था, अब शीशा कोई बड़ा लाएंगे तो दीवार पे लगाएंगे। एक यहाँ लगाना है और एक बेसन के पास लगाना है, अब क्या हाँ, करेंगे दो इसमें एक फोन कमरे में में। लगाएंगे और एक वो बेसन के ऊपर लगाएंगे। हाँ अब ऐसे ही फोन में देख देख के गुजारा हाँ, करते हैं। अभी तो गुजारा करना ही है ना। अभी अभी हम आप ही के घर पे आए और बड़ा वाला मुन्ना जो है सो रहा है और छोटा वाला उठा हुआ है, असल में जो है ना इसने किया हुआ है पेशाब। और आप ही ने अभी अभी भाई को बोला है सबसे पहले आप जाएं पेम्पर लेके आए क्योंकि आपके भाई घर पे नहीं है, अब भाई जाएंगे मीडियम साइज का पेम्पर लेने के लिए। जिंदगी में पहली दफा मैं पेपर लेने जाऊंगा। हाँ वो भी अपनी बहन के बच्चों के लिए जाओगे, कोई बात नहीं चले जाओ। अब जाता हूँ फटाफट लेकर आता हूँ इसके लिए पेपर। हाँ चले भाई, पेपर शेम्पर में लेकर आ गया। और ये अब ये भाई साहब भी उठ गए, उठ गए आप हैं, उठ गए आप, मामू का इंतजार कर रहे थे हैं। और नेहा यहाँ पर आते के साथ तस्वीरें बनाने लग बस गई भाई है, बस पिक्चर तो नहीं बना रही, मैं ऐसे ही चला रही थी। तस्वीर बना रही थी, मुझे पता है। और मुन्ने, ये मुन्ने के लिए मैं चीज़ लेकर आया था, हैं चाहिए, मेरी सोच खुश, उठा है ना इसलिए चिड़चिड़ा हो रहा है। चीज़ और चाहिए या बहुत है, बहुत सारी है इसके अंदर। ये देखो इतनी सारी लाया हूँ, ये एक भी है इसमें दो और ये तीन भी है, इतनी और सारी उसके है। बाद ये केक भी है, उसके बाद ये बंटी भी लाया हूँ आपके लिए, चाहिए आपको, ये खाओगे? ये खाओगे, और क्या खाओगे इसमें से बताओ। ये
मैं खा रहा सही है, हूँ। कुछ भी खाना, ये सारी आपकी है। अभी भाई 6 बजे का टाइम हो रहा है और मगरिब की अजानें भी हो रही हैं, अजानें हो चुकी हैं, बस दूर दूर से आवाज़ आ रही है। तो अभी मैं और नेहा घर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अंधेरा हो जाएगा जाते जाते ही, बस 5-10 मिनट में अंधेरा हो जाएगा। आप सबको पता है दिन छोटे हो गए, सर्दियों के दिन आ गए, तो बस अभी हम निकल ही रहे हैं यहाँ से। नेहा मास्क वगैरह लगा रही है, जैसे ही लगा लेती है तो हम निकलते हैं यहाँ से, घर पे जाते हैं क्योंकि इसने भी खाने पकाने की तैयारी वगैरह करनी है। तो अभी अभी हम घर आए और घर आते के साथ सबसे पहले मैंने अपने कपड़े चेंज किए और यहाँ आकर मैंने देखा कि पापा ने जो ना खाना भी चढ़ा दिया, यानी कि दाल का मैंने बोला था और पापा ने दाल चढ़ा भी दिए, क्योंकि आते आते हमें जो ना काफी टाइम हो गया, 6:30 बजने हैं, घड़ी यहीं से दिख रही है। और आप सबको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, हम गए तो थे आप ही के घर पे, लेकिन एक जो है ना हम नन्ना मुन्ना मेहमान साथ लेकर आए घर पे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, हम जो है ना साथ में अयान को साथ ले आए हैं, क्योंकि जब हम आ रहे थे ना तो अयान रोने के लिए लग गया था, जिसकी वजह से इसको हम साथ ले आए। भाई कैसा लग रहा है इसको यहाँ पर अकेले देखकर? आप ही भी नहीं है दुआएं यहाँ पर। कर रहा हूँ रोने नहीं लग जाए, इतनी मुश्किल से ले तो आया है, लेकिन रोने लग गया ना तो फिर गए हाँ बस अब। इसको जो है ना हम खेल में लगा के रख रहे हैं ताकि ये रोए नहीं। ये मम्मा मिल देखो, रहा है कि मम्मा इसलिए क्या कर इसको जो है रही ना फोन में लगा के रखा हुआ है या किसी खेल में लगा के रखा हुआ है, लेकिन जो है ना काफी मजा आ रहा है इसको हम अकेले लेकर आए, पहली बार हमारे है। साथ अच्छा अकेला मजा आया आया है। बाइक पे आने में अयान है? मजा आया आपको बाइक पे? हाँ मजा आया। किसको ढूंढ रहे हो, नाना को? यहाँ पे देखो नाना कहाँ है आपके? नाना कहाँ है? वो देख नाना बैठा हुआ है, ओहो उधर बैठे मैं नाना। चार नाना को आवाज दे, बट नाना इधर ये आओ, देखे नाना को भी आवाज देता है, आ इधर जाओ आओ, इधर। इधर ये आ देखे जाओ, बुला रहा है, इधर जी, आओ। अब जाएगा अभी ये जाओ नाना को नाने के बुलाने पास के लिए, जाओ, चलिए हम भी साथ में नाने के चलते हैं, पास ये क्या जाओ। करता है अभी नाना के साथ। ये देखे जी उतर गया, ये लो ये साथ लेके जाना, नानो को कंघी कर देना, एक बार ये देखिए जी नाना के उतर पास गया। जाओ। आप देखते हैं ये किधर जाता है, कहाँ है नाना, किधर है नाना? ये देखे जी ये रे नाना। ये खड़े हैं, मिल गए, वो रे नाना, वो रे, वो उधर। हाँ और इसके लिए जो है ना ये नया नया घर है, तो जैसे ही हम घर में आए थे तो ये पूरा घर घूम रहा था। सबसे पहले तो देख रहा था कि ये कौन सा कमरा है, ये कौन सा कमरा है, ये कौन सी जगह है, तो ये घूम रहा था, अभी भी घूम ही रहा है। इसने नया नया देखा है ना, असल में पहली बार आया इधर, तो अभी तो थोड़ी देर देखेगा ही, परेशान होगा। ये देखे जी गेट बंद कर रहा है अब। ये देखें भाई, ये मेरा भांजे के काम और नेहा के काम भी देखें, नेहा भी नीचे घुसी हुई है इसके साथ। अयान बाहर आओ, बाहर आओ, ये देखो आंटी कहाँ है, ये इस बेचारे को ये रो ना जाए इसलिए इसके साथ ऐसी हरकतें कर रही है नेहा। जाओ आंटी बुला रही है। अच्छा खुद भी बाहर निकल जाओ और इसको भी निकालो, मैं छोड़ के आऊँ। भाई अभी हमने खाना वगैरह भी खा लिया है और मैं तो अभी सोच रहा हूँ कि इसको अपने भांजे को छोड़ कर आऊँ, क्योंकि ये रो गया ना, उससे पहले रो ना जाए उससे पहले उसको छोड़ कर आना है। ये रो गया तो हमारे बस का काम नहीं है इसको चुप कराना, इसकी अम्मा तो है नहीं। खैर अभी मैं जाता हूँ इसको लेकर, और इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।